चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। थोड़ा ध्यान देंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, इसको बोलते हैं आयत। और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि मैं आपके सामने एक आकृति बनाने जा रहा हूं, ये आकृति है, ये फिगर है। सपोज दैट 4 by 2, 4 by 2, ओके। इसका लेंथ भी 4 है और ब्रेथ 2, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अगर मैं वर्ग की बात करूं तो ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो आप लोग जानते होंगे जहां पर चार भुजाएं समान होती हैं वहां क्या होता है? वो वर्ग होता है। और जहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वहां क्या होता है? वो आयत होता है। बात क्लियर है? लेकिन मैं कुछ और आपको समझाना चाह रहा हूं यहां। क्या? जैसे कि ये एक आकृति बनी हुई है, आपको पता है ये आयत है। क्या है? ये आयत है। अगर मैं इसको वर्ग कहना चाहूं, क्या मैं इसको वर्ग कह सकता हूं? मैं इसको वर्ग नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती है। क्या यहां चारों भुजाएं बराबर है? नहीं है, तो ये वर्ग नहीं है, लेकिन आयत तो है ना। ओके, अब इसी तरीके से ये एक आकृति बनी हुई है, आपको पता है बहुत अच्छे से ये वर्ग है। अगर मैं इसको आयत कहना चाहूं, क्या कहना चाहूं? आयत। तो क्या मैं इसको आयत कह सकता हूं? बिल्कुल, इसको हम आयत कह सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऐसी चार भुजाएं जो आमने सामने समान हो और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। देखो यहां भी आमने सामने बराबर है और यहां भी देखो आमने सामने बराबर है। तो आयत की प्रत्येक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की प्रत्येक प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास होती है, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल यानी कि आयत कह सकते हैं। लेकिन स्क्वायर की प्रत्येक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के पास नहीं होती, इसलिए रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। ये चीज नोट करने वाली है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी कि आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को हम आयत भी कह सकते। अब मैं यहां आपको कुछ समझाने जाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपसे रेक्टेंगल से, यानी कि आयत से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगल से रेक्टेंगल कैसे निकाला जाएगा, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल कैसे निकाला जाएगा, यानी कि आयत से आयत कैसे निकाला जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, ये एक आकृति है और आप समझ पा रहे होंगे 1, 2, 1, 2, 3। ये जो आकृति आपके सामने बनी हुई है वो कितने की है भैया? 2 by 3 या 3 by 2, कुछ भी कह लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको पता है ये 2 by 3 की है क्योंकि ऐसे 2 है और ऐसे 3 है, तो ये क्या है भैया? आयत है।
और आपसे पूछ रहा है कि दी हुई आकृति में कुल कितने आयत होंगे, यानी कि आयत से आयत पूछा जा रहा है, आयत जो बना हुआ है इससे आयत पूछे जा रहे हैं कि इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे। देखो भाई, रेक्टेंगल निकालने का एक सीधा तरीका होता है, रेक्टेंगल निकालने का एक सीधा तरीका होता है, क्या होता है थोड़ा ध्यान देंगे। एल एल प्लस वन बी बी प्लस वन अपॉन फोर, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम कोई भी रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। थोड़ा पुट करेंगे हम इसको कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे। लेंथ ब्रेथ, क्योंकि ये इनटू में है तो आप पहले ब्रेथ कर दो या बाद में लेंथ कर दो, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेंथ कितनी है भैया, थ्री इंटू एन प्लस वन कितना हो जाएगा फोर, इंटू ब्रेथ कितनी है भैया टू, इंटू कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन है अपॉन फोर, क्या करेंगे फोर से फोर कट हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा भैया ये आंसर, तीन दूनी छह, तैतीस अठारह, यानी कि इस आकृति में आपके सामने टोटल 80 रेक्टेंगल होंगे, 80 है ना। और अगर आप गिनना चाहें तो, अगर इसमें आप 18 रेक्टेंगल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं क्या, कोशिश करें, कोशिश करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे ध्यान से देखेंगे, 6 के बाद क्या होगा, एक ये 7 और एक ये 8, है ना। आगे देखेंगे 9 10 और ये 11, है ना। इसके बाद ये 12, है ना। इसके बाद ये 13, ओके। आगे देखेंगे 14 15 16 17 और ये बड़ा वाला 18। भैया 2/3 का था, यही होता ना 8/10 का, पता चल जाता आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे सबोदर में क्वेश्चन और आपको देता हूँ, सबोदर क्वेश्चन है 5/6 की एक आकृति है, तो आपको पता है मैं आकृति नहीं बना रहा, लेकिन आपको समझ में आ गया 5/6 की है, तो जैसे वो आयत होगी, क्या होगी आयत। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें कितने आयत होंगे, बताओ। सीधा तरीका वही, क्या लेंथ ब्रेथ में तो कुछ भी पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्या करेंगे 5 × 6 × 6 × 7 बी प्लस वन, प्लस वन होता हुआ जाएगा अपॉन फोर, है ना। 2 से काटेंगे ये 3 टाइम्स जाएगा, 2 से काटेंगे ये भी 3 टाइम्स जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया जरा देखेंगे, 3 का गुणा 3 करेंगे 9, और 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 63, और 63 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो देखना कितना हो जाएगा, 315 आंसर आ जाएगा, 315 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा एक और देता हूं, सपोज दैट क्वेश्चन है 3/6, 3/6 आपको पता है ये रेक्टेंगल है, यहां से आपसे रेक्टेंगल पूछा जा रहा है, बताइए। हालांकि एग्जाम में तो वो इस तरीके की आकृति बना के देता है, तो हम काउंट कर लेंगे, इस तरीके से 3 होगा, इस तरीके से 6 होगा, काउंट करके इस तरीके से आप लिख लेंगे। जैसे कि ये 2/3 की थी, कैसे पता चला, इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो हमने 2/3 लिख लिया। इसी तरीके से आपके सामने 3/6 बना होगा, आप इस तरीके से लिख लेंगे, ओके। अब करेंगे क्या करेंगे, वही चीज, क्या होगा 3 × 4 × 6 × 7 और उनके हिसाब से अपॉन क्या हो जाएगा 4 कट हो जाएगा, है ना। तो 7 6 42, है ना, ओके। उसका अपॉन 3 में करेंगे कितना आ जाएगा बताएं जरा, 126, क्लियर है।
तो मैं समझता हूँ आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि रेक्टेंगल से रेक्टेंगल निकालने के लिए, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको निकाल लेंगे, है ना। ओके फाइन, सपोज दैट यही क्वेश्चन आपसे पूछता है रेक्टेंगल से स्क्वायर निकालने के लिए, रेक्टेंगल से स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने के लिए, आयत से वर्ग निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट ये एक आकृति बनी हुई है 2x3, ओके 2x3 की आकृति में आपको पता रेक्टेंगल कितने थे भैया, 80 रेक्टेंगल थे, कितने थे 80, लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो भैया स्क्वायर निकालने का एक सीधा सिंपल तरीका होता है क्या, क्योंकि आपको पता है ये 2x3 का है, आप सीधा सीधा इसमें गुणा कर दो, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। उसके बाद इसमें एक कम कर दो और इधर भी एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा 2, इधर भी एक कम कर दो तो 0, इधर भी एक कम कर दो तो 1, कितना आ जाएगा 0। अब इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अगर एक में से एक कम करने में 0 हो जाएगा फिर तो उसका मतलब 0 ही निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि ये भी हमें करने की जरूरत नहीं थी, किधर भी साइड एक आ जाए, चाहे इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए, बस वहीं पर एंड हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे तो फिर 0 होने लगेगा। तो यहां क्या करते हैं जोड़ देंगे बाद में, कितना हो जाएगा भैया 8, कितना हो जाएगा 8। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझें, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपको पता ही है 2x3 का था, कितने का था 2x3 का, यहां से हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर क्या होता है इसकी चारों भुजा कैसी हो समान। अगर मैं यही बात करूं 2x3 का भैया 3x3, 3x3 का इसमें कोई भी स्क्वायर निकलेगा, कोई भी स्क्वायर नहीं निकलेगा 0। यही मैं बात करूं 2x2, 2x2 का कोई निकलेगा, ध्यान से देखना 2x2 का, ध्यान से एक तो ये निकला और एक ये निकला, कितने निकलेंगे भैया 2 निकलेंगे। ओके आगे देखो 1/1, ध्यान से देखना 1/1, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, तो कितने हो जाएंगे भैया, तो कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर हो गई आपको बात, ओके बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना आएगा भैया 2x3 में कितने स्क्वायर होंगे 1। ओके यहां मैं कुछ और भी चीज आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा सा पहले तो आगे चलते हैं। जैसे सपोज दैट एक आकृति है आपके सामने 4x6, तो 4x6 आपको पता है रेक्टेंगल है और आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है, अभी स्क्वायर की बात चल रही है, बताओ कैसे निकालेंगे। वही तरीका है कि आप 4 का गुणा किसमें कर देंगे 6 में, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। ओके यहां क्या करेंगे भैया 3 का गुणा 5 में करेंगे, है ना, इधर देखेंगे 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात क्लियर है कि नहीं। आगे देखेंगे क्योंकि एक तरफ 1 आ चुका है, आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो आगे 0 आने लगे, है ना, 4 का गुणा 6 में किया 24, 3 का गुणा 5 में किया 15, 2 का गुणा 4 में किया तो 8, 1 का गुणा 3 में किया तो 3, सीधा सीधा क्या कर देंगे भैया हम इनको जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ेंगे फटाफट कितना हो जाएगा 24 और 15 कितना हो गया भैया 39, कितना हो गया 39 और 8 कितना हो जाएगा 47, 47 और 3 कितना हो जाएगा 50, तो आंसर कितना आ गया यहां 50, कितना आ गया 50, क्लियर है। एक बार फिर से देख लेंगे 4x6 की एक आकृति थी, हमने क्या किया 4 का गुणा 6 में किया तो 24 आ गया, 3 का गुणा 5 में किया तो 15 आ गया, 2 का गुणा 4 में किया तो 8 आ गया, 1 का गुणा 3 में किया तो 3। आपको पता है ये संख्या हमने कैसे लिखी है, आपको बहुत अच्छे से पता है, एक एक कम करते हुए लिखी है। ओके तो हमने इन सबका सम कर लिया तो कितना आ गया 50 आ गया, क्लियर है, देख लें आपको एक बार फिर से।
चलिए अब यहां पर आपको मैं कुछ चीज और सिखाने वाला हूं, क्या थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि आपको पता है ये 4x6 की आकृति थी, 4x6 की आकृति थी, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है बेटा, वर्ग की यानी स्क्वायर की। अगर यही मैं चाहूं कि 6x6 की या मैं आकृति निकालना चाहूं, निकाल ले, नहीं निकलेगी। 5x5 की नहीं निकलेगी, बड़ी संख्या से लेके चलेगी। फिर 4x4 की अगर निकालना चाहूं तो, 4x4 की निकालना चाहूं, इसी तरीके से 3x3 की निकालना चाहूं, 2x2 की निकालना चाहूं और 1x1 की निकालना चाहूं, है ना। तो थोड़ा सा गौर करेंगे भैया, एक सीधा तरीका होता है क्या, जो हमने इस तरीके से यहां पर ये सब कुछ लिखा है ना, इस तरीके से ये इस तरीके से यही पर ठीक ये उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे वो कैसे होता है। जैसे 4x4 तो 4x4 की आकृति, क्योंकि उल्टा होगा तो ये रही 4x4 की आकृति, कितनी 3, है ना। 3x3 की आकृति तो कितनी हो जाएगी 8, 2x2 की आकृति कितनी हो जाएगी 15, और 1x1 की आकृति कितनी हो जाएगी 24। ठीक उल्टा होता है, ठीक कर रहा है, और इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर तो वही 50 आएगा। ये मैंने आपको इसलिए समझाया, कभी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक 4x6 की आकृति है, बताइए इसमें 3x3 के कुल कितने वर्ग होंगे, तो 3x3 कितने होंगे, 8 वर्ग होंगे। आप इस तरीके से लिख लेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, बात समझ रहे नहीं। अगर यहां से नीचे से चलेंगे तो कैसे हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। बात क्लियर है नहीं? अरे क्लियर है ना। अगर चाहते तो आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये 1x1 है, ये 2x2 है, ये 3x3 है और ये 4x4। सीधी सी बात है, आगे 5x5 की कोई आकृति इसमें बनने वाली नहीं। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल मत करो ऐसे। इस तरीके से तो लिखेंगे ही, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये 1x1 है, ये 2x2, 3x3, 4x4, सीधा सीधा। बात क्लियर हो गई? तो मैं समझता हूं अगर आपके सामने रेक्टेंगल से रेक्टेंगल पूछा जाए और रेक्टेंगल से स्क्वायर पूछा जाए, आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए आगे चलता हूं, आगे लेके चलते हैं हम आपको स्क्वायर की तरफ। अभी तो सिर्फ रेक्टेंगल की बात हुई थी कि रेक्टेंगल से रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे और रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम लेके चलते हैं आपको स्क्वायर की, यानी कि वर्ग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर से रेक्टेंगल निकालना, उसके बाद निकालना बताऊंगा स्क्वायर से स्क्वायर निकालना, स्क्वायर से रेक्टेंगल निकालना। थोड़ा ध्यान से समझें, जैसे ये एक आकृति है, ये एक आकृति बनी हुई है, ये एक फिगर दिया हुआ है, आप बताएंगे क्या साइज है इसका। हमें बहुत अच्छे से पता है भैया इसका जो साइज है वो कितना है, 4x4, और 4x4 है क्योंकि लंबाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है, तो बहुत सीधी सी बात है ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो हमें यहां सबसे पहले क्या बताना है, स्क्वायर से रेक्टेंगल, यानी कि यहां से रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, यानी कि आयत कैसे निकलेगा। देखो भैया, अभी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल से रेक्टेंगल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी तरीके से स्क्वायर से भी रेक्टेंगल निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी जब भी हमें रेक्टेंगल निकालना हो, चाहे वो रेक्टेंगल से निकालना हो या फिर स्क्वायर से निकालना हो, दोनों कंडीशन में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां से आपका रेक्टेंगल निकल आएगा। आपको पता है वही कैसे फॉलो करेंगे, देखेंगे 4 × 5 × 4 × 5/4, यही होगा। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 × 4 कितना हो जाएगा भैया, कितना 100 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई?
तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप आराम से रेक्टेंगल निकाल लेंगे। लेकिन जो बात अब खड़ी होगी वो बात खड़ी होगी स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्क्वायर की। जैसे सपोज दैट ये आकृति है, आपको पता है ये आकृति 4x4 की है। कितने की है? 4x4 की है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्क्वायर की, यानी वर्ग की। तो भैया यहाँ वर्ग कैसे निकालेंगे, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी यही अगर रेक्टेंगल होता तो आपको पता है ये दोनों साइड बराबर नहीं होती। जब रेक्टेंगल में हमने आपको पिछले क्वेश्चन कराए थे क्या हो रहा था, 4x6 हो रहा था या 3x4 हो रहा था। लेकिन ये ऑलरेडी स्क्वायर है और यहां से स्क्वायर निकालें तो सीधा तरीका वही ले लो। 4 का गुणा 4 में करेंगे भैया तो 16, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 1-1 कम करते हुए आ रहे, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब तो 0 भी करने की जरूरत है ही नहीं। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा भैया? 30। और यहाँ सीधा सीधा आपको समझ में आ भी रहा होगा, सीधा सीधा लिखा है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। 4x4 के कितने स्क्वायर है भैया? इसमें 16 है। 3x3 के 9, 2x2 के 4, 1x1 के 1। सीधा सीधा तरीका है ना। देखें 1, 2, 3 and 4 है ना। अच्छा दूसरा तरीका एक और भी होता है इस क्वेश्चन को करने का, क्या? अच्छा बेटा एक बात हो, 4 का गुणा हमने 4 में किया तो 16 आया, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का गुणा 3 में किया तो 3 का स्क्वायर, 2 का गुणा 2 में किया तो 2 का स्क्वायर, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 का स्क्वायर। इन सबके स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, बाद में उठा के जोड़ दिया है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ही तो हो रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन भड़बड़ाने वाली जरूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर निकाला था रेक्टेंगल से स्क्वायर, वैसे ही हम यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर निकाल रहे हैं, वही तरीका है। लेकिन इसको हम थोड़ा सॉर्ट और कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें तो हम सॉर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वर्ग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों तरफ भैया लेंथ और ब्रेथ कैसी है? इक्वल है। तो ये तो तरीका है ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका एक और है, क्या? सुनो, दूसरा तरीका एक और भी है। क्योंकि 4x4 की आकृति है तो पहला तरीका तो ये समझ में अच्छे से आएगा। दूसरा एक ट्रिक और होती है, वो कैसे बनेगी? वो यहां से बनेगी। समझो यहां क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो रहा है। और हमें पता है बेटा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे होता है, क्या होता है भैया? बहुत अच्छे से पता होगा, वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वो कैसे? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला होता है, आपको बता भी होगा, n n+1 2n+1 / 6। ओके, यही होता है n n+1 2n+1 / 6। तो n की वैल्यू कितनी है भैया? या 4। क्या करेंगे आप, रखेंगे, पुट करेंगे, 4 × 5 × कितना हो जाएगा, 8 और 1 9/6 यही होगा। 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 3 से ये 3 टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा भैया आंसर? देखो यहां भी 30 और यहां भी 30। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राप्त संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां सीधा सीधा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बात क्लियर हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति है भैया 5x5 की, 5x5 की है, दोनों तरफ सेम है, और वह यहां से वर्ग निकलवा रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सीधा सीधा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? यही वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 6 × 2n + 1। आपने बहुत बार ये चीज पढ़ा होगा कि 2n + 1 का वैल्यू होता है इन दोनों का योग, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां 11/6
कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 55। बात क्लियर है भैया? ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको अगर स्क्वायर से स्क्वायर भी निकालना हो तब भी आप लोग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सुनिए, आगे चलते हैं। देखो भैया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग होती है। कहने का मतलब, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पर क्या हो रहा था, प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक फिगर में वहां साइज दे रहा था, कभी कभार साइज नहीं देता है। वो कैसे, क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी टोटल स्क्वायर एंड क्यूब, सॉरी हाउ मैनी टोटल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, हाउ मैनी टोटल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड समझते हैं, शतरंज, यानी कि शतरंज में कुल कितने आयत तथा वर्ग होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, आयत की भी संख्या आपको बतानी पड़ेगी और वर्गों की भी संख्या बतानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड का साइज क्या होता है, आपको खुद पता होना चाहिए। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, चेस बोर्ड का जो साइज होता है वो 8x8 का होता है। चेस बोर्ड का जो साइज होता है वो कैसा होता है, 8x8, यानी कि 8x8, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। यहां सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल, क्या बताऊंगा, रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो भैया मैंने आपको पहले बता दिया, या तो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल निकालना हो या फिर वर्ग से रेक्टेंगल निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे भैया, एल कितना हो जाएगा, 8 × 9 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ओके, यहाँ क्या करेंगे हम, ये 2 times चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 2 times चला जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे फटाफट, कितना आ रहा है बताएंगे फटाफट, जल्दी करें। कितना, 1296। ठीक है, बहुत सही, 1296 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हम स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि वर्ग निकालेंगे। स्क्वायर के लिए क्या करना होता है, वैसे तो वही है, 8x8 में फिर 7x7 में 6x6 में, लेकिन यहाँ दोनों तरफ सेम है तो हम वर्गों का योग कह सकते हैं। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है भैया, 8 × 9 × 17/6। 3 से कट करेंगे, ये 2 times जाएगा और ये 3 times जाएगा, इससे ये 4 times जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 12 × 17 करेंगे, जल्दी बताएंगे कितना हो रहा बेटा, 204, है ना, क्लियर है। तो ये आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको कर लेंगे। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं भैया पैरेलल की तरफ, पैरेलल देखेंगे। नोट कर लिया, पैरेलल जैसे कि मैं आपके सामने एक पैरेलल बना रहा हूं,
ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये दोनों स्ट्रेट है, आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। इस तरीके के जैसा कि एक पहला बना हुआ है, अभी यहां क्या कहेगा क्वेश्चन, सपोज दैट कि दी हुई आकृति में, ये आपके सामने एक आकृति दी हुई, इस आकृति में कुल कितने आयत तथा वर्ग होंगे, और आपको पता है 1 2 3 4 1 2 3 4, भैया ये कितने की है आकृति, 4 by 4 की है, 4 by 4 की है आकृति है, और यहां से पूछ रहा है कि देवी आकृति में कुल कितने आयत और वर्ग होंगे, यानी आयत भी पूछ रहा है और वर्ग भी पूछ रहा है, बताएंगे फटाफट कितना निकल रहा है आंसर। आयत सबसे पहले आयत की बात करेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एक फॉर्मूला रखेंगे, कितना आया, अरे इतना टाइम नहीं लगता भाई, कितना, कितना 100, ओके फाइन, और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कितना आया, 4 by 4 की आया करती, जल्दी करेंगे, कितना 30, बिल्कुल 30 आएगा, ओके फाइन। तो रेक्टेंगल कैसे निकाला, इस फॉर्मूले को रख के, स्क्वायर कैसे निकाला, इस फॉर्मूले को रख के, तो आपने देखा कि ये जो आकृति 4 by 4 की बनी हुई है, जो कि पैलर है, यहाँ पर आपके सामने रेक्टेंगल 100 निकल रहे हैं और स्क्वायर कितने निकल रहे हैं 30, तो बात क्लियर हो गई। दरअसल ऐसा ये दोनों आंसर गलत है, कैसे गलत है बताता हूं, देखो भैया ये एक पैलर बना हुआ है आपके सामने और हम निकाल के आ रहे हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी था जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समान, ठीक है भैया, आमने सामने की भुजा तो समान समझ में आती है बात, लेकिन साथ ही साथ एक चीज में और बोल रहा था रेगुलर कि प्रत्येक भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, क्या यहाँ पर एक भी भुजा ऐसी है जो 90 डिग्री पर काट रही है क्या, नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है भैया यहाँ तो कोई भी आयत नहीं होगा, कहने का मतलब आयत कितने होंगे, इसी तरीके से वर्ग में मैंने आपको बताया था कि चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, भैया चारों भुजाएं समान है, चाहे कोई भी आकृति उठा लो समझ में आती है, लेकिन कोई भी भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है क्या, नहीं काट रही है, तो सीधी सी बात यहाँ भी स्क्वायर कितने होंगे, 0 होंगे, ना कि 30 होंगे, लेकिन यही आपसे पैलर से पैलर पूछा जाता, पैलर से पैलर कि दिए हुए पैलर में कुल कितने पैलर होंगे, दी हुई आकृति में कुल कितने पैलर होंगे, तो भैया सीधी सी बात है जिस तरीके से हम रेक्टेंगल निकालते हैं उसी तरीके से हम यहां पैलर निकाल लेंगे, तो पैलर की जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 100 निकलेगी, पैलर की संख्या कितनी निकलेगी, 100 निकलेगी, रेक्टेंगल की तो 0 है, लेकिन पैलर की अगर बात करें तो पैलर की संख्या यहां निकलेगी कितनी, 100। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट, ओके भैया, इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।